मथुरा में वृंदावन के कणकण में श्री कृष्ण और राधा का वास है। राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं वृंदावन में देखने और सुनने को मिलती हैं। आइए आपको राधा रमन मंदिर की पुरातन परंपरा के बारे में बताते हैं, जो देशी विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए वर्षों से आकर्षण और आस्था का केंद्र बनी हुई है। वृंदावन के राधा रमन लालजू मंदिर की रसोई में 500 वर्षों से लगातार अग्नि प्रज्वलित है, जो आज भी जारी है। रसोई में माचिस का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। राधा रमन लालजू मंदिर से जुड़े भक्त और चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य कहे जाने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लगभग 475 वर्ष पहले मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन की लकड़ियों को एक दूसरे के साथ घिसा तो अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने ही हवन कुंड से निकली इस अग्नि को मंदिर की रसोई में प्रयोग करने की परंपरा शुरू की थी, जिसे मंदिर के सेवायत और उनके वंशज बदस्तूर निभाते चले आ रहे हैं। इसी अग्नि से भगवान राधा रमन लाल जू का प्रसाद तैयार होता है। भगवान राधा रमन जू लाल मंदिर की पौराणिक मान्यता है कि ठाकुर राधा रमन लाल का प्राकट्य 475 साल पहले शालिग्राम शिला से हुआ। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की साधना और प्रेम के वशीभूत होकर वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा की प्रभात बेला में भगवान राधा रमन जू लाल प्रकट हुए थे। उसमें अग्नि का प्रवेश नहीं है पिछले 500 वर्ष से। इस राधा रमन मंदिर में जो अग्नि होती है लकड़ियों पर, तो भोजन आज भी जो प्रसाद बनता है वो कच्चा प्रसाद वो लकड़ियों पे ही बनता है, और उसी को ही जब कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो सुलगती रहती है पूरी रात, और सुबह आकर उसी अग्नि से फिर और लकड़ियां प्रज्वलित करके हम अपने चूल्हों को जलाते हैं, उसी पे ही प्रसाद बनता है। तो ये अग्नि बाहर से कहीं से प्रवेश नहीं होती है, वही एक ही अग्नि जो 500 वर्ष से चली आ रही है उसी अग्नि से प्रसाद बनता है।